चैनल दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप स्टॉक्स ऐप के अंदर अपना पहला शेयर कैसे खरीदें। यानी अगर आपने अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आप स्टॉक्स के अंदर खोल रखा है तो इस ऐप को कैसे यूज करना है, इस ऐप के अंदर शेयर कैसे खरीदना है, कैसे शेयर को बेचना है, कैसे प्रॉफिट लॉस होता है, तो ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाएगी तो लाइक दबा दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल के प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर टाइप करेंगे आप स्टॉक्स, तो आप स्टॉक्स का जो ऐप है वो आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर देखिए 10 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुका है, 4.4 की रेटिंग है और अभी ओपन आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें इंस्टॉल कर लिया है। आपको इंस्टॉल कर लेना है इस ऐप को। उसके बाद यहाँ पर आपको अप स्टॉक्स का जो आइकन है वो दिखाई देने लगेगा आपके स्क्रीन पर, इसके ऊपर क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर देखिए यूजर आईडी पूछ रहा है, यहाँ पर पासवर्ड पूछ रहा है और साइन इन करने के लिए कह रहा है। तो यूजर आईडी और पासवर्ड आपको आपके मेल पर आ गया होगा जब आप अप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खोलते हैं। तो अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं खुला है तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पर क्लिक करके आप खोल सकते हैं। इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहां पर डालना होगा। अब यहां पर आपके सामने जो आप स्टॉक्स का ऐप है वो ओपन हो चुका है। हम यहां वॉचलिस्ट के ऊपर है, वॉचलिस्ट के ऊपर आप देखेंगे कि हो सकता है किसी किसी ऐप में यहां पर कुछ शेयर दिखाई देगा, कुछ शेयर का नाम दिखाई देगा आपके होम स्क्रीन के ऊपर, तो आप डायरेक्ट उन शेयर को खरीद सकते हैं। मेरे होम स्क्रीन के ऊपर वो शेयर ऐड नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको कैसे ऐड करेंगे पहले ये देख लेते हैं। यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक करना है, जो खाली बॉक्स है यहाँ पर उसका नाम टाइप करेंगे, जो भी शेयर आप खरीदना चाहते हैं। जैसे मैं गेल का शेयर खरीदना चाहता हूँ, GAIL टाइप किया तो गेल का जो शेयर है वो सर्च होकर के आ जाएगा। गेल यानी कंपनी का नाम हो गया, उसके बाद NSEQ लिखा हुआ होना चाहिए, उसके बाद उसके सामने वाले ऐड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया। इसी तरीके से अगर मुझे रिलायंस का शेयर सर्च करना हो तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा रिलायंस, RELI, तो रिलायंस का जो शेयर है वो आपके सामने आ गया है। ये पर रिलायंस का शेयर है और NSEQ लिखा हुआ है, मतलब यही वाला है। यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये स्टॉक भी ऐड हो जाएगा। वॉचलिस्ट में स्टॉक ऐड हो चुका है, बैक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दो स्टॉक हमने यहाँ पर ऐड कर रखा है। यहाँ पर शेयर का नाम रहता है, उसके सामने उसका भाव रहता है। जैसे रिलायंस का जो शेयर है अभी 2202 रुपये के भाव में मिल रहा है, एक शेयर की कीमत है 12 रुपये आज बढ़ा हुआ है। गेल का जो शेयर है 168 रुपये में मिल रहा है, 6.65 रुपये बढ़ा है, परसेंटेज में देखो तो लगभग 4% से ज़्यादा बढ़ा हुआ है आज के डेट में। तो चलिए, मुझे अगर मान लेते हैं गेल का शेयर खरीदना है तो कैसे खरीदूंगा। तो गेल के शेयर को खरीदने के लिए ये जो गेल का शेयर है इसी के ऊपर क्लिक कर लेना है। बहुत सारी जानकारी इस शेयर से जुड़ी हुई आपको यहाँ पर मिल जाती है। जैसे कि सुबह में ये ओपन हुआ था 162 रुपये पे, अभी भाव चल रहा है कितना, 168.60 रुपये, तो 6 रुपया बढ़ गया है। कितने भाव पे लोग खरीद रहे हैं, किस भाव पे लोग बेच रहे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ऑर्डर लग रहा है। चार्ट के ऊपर क्लिक करके इसके चार्ट को भी देखा जा सकता है, इस स्टॉक का चार्ट भी देख सकते हैं आप। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टॉक से जुड़ी हुई यहाँ पर मिल जाती है। सारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद आप बाई के ऊपर क्लिक करेंगे, शेयर खरीदने के लिए बाई के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सबसे पहले प्रोडक्ट में यहाँ पर डिलीवरी या इंट्राडे में से एक ऑप्शन चुनना होगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए दो ऑप्शन आ जाता है, डिलीवरी और इंट्राडे। किसी कंपनी में लंबे समय के लिए निवेश करना है तो आप डिलीवरी ऑप्शन का चुनाव करके उस कंपनी का शेयर खरीद लीजिए, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि आज ही खरीदना है, आज ही बेचना है, तो आप इंट्राडे ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि अगर आप डिलीवरी में खरीद लेते हैं और आपका मन बदल जाता है, आप चाहते हैं उसको बेचना आज ही, तो बेच सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग करूंगा। इसके बाद यहाँ क्वांटिटी का मतलब ये होगा कितना खरीदना है, 1 शेयर, 2 शेयर, 10 शेयर, 100 शेयर, 1000 शेयर, कितना खरीदना है वो डालना पड़ेगा। मैं 2 खरीदना चाहता हूँ इसलिए 2 डाल दिया। इसके बाद यहाँ ऑर्डर टाइप में मार्केट और लिमिट, 2 ऑप्शन में से किसी एक का चुनाव करना है। वैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन मिल जाता है लेकिन हम 2 ही ऑप्शन का यूज यहाँ पर कर पाते हैं खरीदने के लिए, ठीक है। और ये 2 ऑप्शन जो होता है ये स्टॉप लॉस के लिए यूज होता है, इसको अलग वीडियो में समझेंगे। फिलहाल मार्केट और लिमिट का क्या यूज है उसको समझा देता हूँ। लिमिट के ऊपर अगर क्लिक करते हैं आप तो यहाँ पर एक भाव डालने के लिए बॉक्स मिल जाता है आपको, प्राइस वाला बॉक्स एक नया मिल जाता है। यहाँ पर आप भाव डालते हैं कि आप किस भाव तक इसको खरीद सकते हैं। जैसे अभी 167.45 रुपये चल रहा है, अभी आपने देखा था 168 रुपये भी चला गया था। हम चाहते हैं कि 167 में मिलेगा तो लेंगे, इससे महंगा मिलेगा तो नहीं लेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं मार्केट का यूज़ करता हूँ तो क्या होता है, अगर मैं यहाँ मार्केट कर देता हूँ तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो भाव यहाँ चल रहा है, देख रहे हैं कि तुरंत घट रहा है बढ़ रहा है, तो महंगा भी खरीदा जा सकता है। 168 हो जाएगा, 170 हो जाएगा, तब भी ये बाई हो जाएगा, ठीक है। मतलब इमीडिएट खरीदना है, किसी भी भाव पर खरीदना है, जो भाव यहाँ चल रहा है उससे थोड़ा ऊपर या नीचे किसी भाव पर खरीदना है तब आप मार्केट का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो एक लिमिट भी लगा सकते हैं। मैं मार्केट का यूज़ करूँगा। सीधा रिव्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर बाई के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑर्डर लग चुका है।
यहाँ पर आप देखिए, आप ऑर्डर्स के अंदर आ जाते हैं। यहाँ ऑल ऑर्डर्स में आप यहाँ देख पाते हैं कि आपका ऑर्डर क्या हुआ, पेंडिंग है या कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ देखिए कंप्लीट हो गया है, यानी शेयर खरीदा जा चुका है, गेल कंपनी का है, इंट्राडे ट्रेडिंग करी है हमने, दो शेयर खरीदा है हमने, 167.75 रुपये के भाव पे खरीदा गया है, क्योंकि हमने मार्केट किया था तो जो भाव मिला होगा उस टाइम पे उसी पे खरीदा गया है 167.75 रुपये। अब देखिए शेयर तो खरीदा जा चुका है, अब यहाँ पर हम पोर्टफोलियो के ऊपर आएंगे और देखेंगे कि कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पोजीशन में आना होगा, पोजीशन में आने के बाद यहाँ पर आपका शेयर दिखाई देगा और आपको यहाँ प्रॉफिट और लॉस दिखाई देगा। जिस भाव में हमने खरीदा है 167.75 रुपये के भाव में खरीदा है, तो अगर भाव उससे ऊपर जाता है तब तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर उससे कम होता है तो नुकसान होगा। अब जब भी आपको लगे कि मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है या अच्छा लॉस हो रहा है या मुझे बेचना है इसको, तो कैसे बेचेंगे अब इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। तो बेचने के लिए क्या करना है कि पोर्टफोलियो के अंदर पोजीशन में आना है, पोजीशन में जो शेयर आपका पड़ा हुआ है ओपन, इसी के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर ऑफ का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बेचने के लिए भी आपके सामने स्क्रीन आ चुका है। प्रोडक्ट में इंट्राडे था तो इंट्राडे रखना है, अगर आपने डिलीवरी के ऊपर क्लिक करके खरीदा होगा तो डिलीवरी रखना है। इसके बाद यहाँ क्वांटिटी में, जितनी क्वांटिटी आपने खरीदी थी उतनी ही क्वांटिटी बेचनी है, उससे ज़्यादा नहीं बेचनी है, उससे कम बेच सकते हैं। जैसे अगर दो क्वांटिटी मैंने खरीदी है तो एक एक करके दो बार बेच सकता हूँ। इसके बाद ऑर्डर टाइप में यहाँ पर फिर से मार्केट और लिमिट में से दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर आप टारगेट लगाना चाहते हैं तो आप लिमिट का यूज़ करेंगे, जैसे लिमिट के ऊपर क्लिक किया प्राइस वाले बॉक्स में कि ये जो स्टॉक है ये 170 रुपये का भाव देगा तभी बेचना है, नहीं तो नहीं बेचना है, यानी 170 या उससे ऊपर के भाव पर बेचना है। तो टारगेट आप इस तरीके से लगा सकते हैं, लिमिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ वो भाव डालेंगे जिस भाव पर आप बेचना चाहते हैं, उसके बाद आप यहाँ रिव्यू ऑर्डर करेंगे। लेकिन मैं यहाँ लिमिट नहीं लगा रहा हूँ, टारगेट नहीं लगा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको सेल करके दिखाता हूँ कि कैसे तुरंत सेल होता है। तो मार्केट ऑप्शन का यूज़ कर देता हूँ, तुरंत अगर बेचना है तो मार्केट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। भाव का फिर वही रहता है कि जो भाव यहाँ दिखाई दे रहा है, रिव्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक बार ऑर्डर उसको देख लेना है कि आप क्या ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, उसके बाद सेल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये ऑर्डर लग चुका है और ये ऑर्डर कंप्लीट भी हो गया है, ये ऑर्डर देखिए कंप्लीट हो गया है, सेल हो चुका है स्टॉक। दो क्वांटिटी बेचा है हमने 167.70 रुपये पे, तो 75 रुपये खरीद के 70 रुपये बेचा है, यहाँ पर 5 पैसे एक क्वांटिटी के ऊपर नुकसान हुआ है। हम यहाँ पोर्टफोलियो के अंदर आकर के देख सकते हैं कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। पोर्टफोलियो में आते हैं और यहाँ पर देखिए पोजीशन के अंदर, तो हमारा जो स्टॉक है यहाँ क्वांटिटी 0 हो गई, पहले 2 थी, और यहाँ पर हमारा जो लॉस है 10 पैसे का हो गया, यानी 5 पैसा एक क्वांटिटी पे लॉस हुआ है, 5 पैसा एक क्वांटिटी पे, तो टोटल 10 पैसे का नुकसान हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जब इस स्टॉक को सेल किया है 167.70 रुपये भाव था, थोड़ी ही देर बाद मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि 168 रुपये का भाव हो गया, 168.75, 168.80 चला गया, तो लगभग 1.10 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर एक क्वांटिटी के ऊपर बन सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर 10 पैसे का लॉस उठाया है। खरीदने बेचने का टाइमिंग, इसके अलावा कौन सा शेयर खरीद रहे हैं ये, इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आप नए हैं तो टाइम देंगे, थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो शेयर खरीद के सीखेंगे तब आप इसको सीख पाएंगे। शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, रिस्की होता है। अब एक चीज़ और आपने देखा होगा कि जब मैंने शेयर खरीदा तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो पैसा कैसे डाला था इसमें, फंड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, एक ऐड फंड का मिलता है, एक विड्रॉ फंड का मिलता है। तो ऐड फंड के ऊपर क्लिक करके आप पैसा इसके अंदर डालते हैं, आप अपने बैंक अकाउंट से इस ऐप के अंदर आप स्टॉक्स के अंदर पैसा को डालते हैं, तभी आप शेयर खरीद पाएंगे, पैसा होगा तो, नहीं होगा तो नहीं खरीद पाएंगे। यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है, कितना रुपया आपको डालना है, 100, 200, 500, 1000 डाल सकते हैं, 100 रुपये भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो अमाउंट यहाँ टाइप करेंगे और उसके बाद ट्रांसफ़र करने के लिए कई पेमेंट मेथड दिए गए हैं, जैसे UPI ऐप का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी फ़ोनपे भीम ऐप का यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं, NFT कर सकते हैं। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, इनमें से किसी एक का यूज़ करके तो आपका पैसा जो है कि इसके अंदर ऐड हो जाएगा। जैसे सेटलमेंट के बाद जो पैसा आपको दिखाई देता है उसको अगर आपको निकालना तो कैसे निकालेंगे, विड्रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे। विड्रॉ के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अमाउंट डालेंगे कितना निकालना है, तो मिनिमम 100 रुपये का अमाउंट डालना होगा, उसके बाद जितना पैसा आपके पास है वो डाल सकते हैं, जितना निकालना चाहें, ठीक है। वो अमाउंट यहाँ पर डालने के बाद विड्रॉ फंड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो 24 घंटे के अंदर जो भी पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, बस वर्किंग डे होना चाहिए, 24 घंटे में आप पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। एक चीज़ और आप ध्यान रखना, जैसे आज किसी स्टॉक को आप बेचते हैं, होल्डिंग में पड़ा हुआ कोई शेयर है या ट्रेडिंग लिया हुआ है, तो उस शेयर को बेचने के बाद 2 डेज का टाइम लगता है, यानी लगभग 3 दिन मोटी मोटा आप मान के चलिए सेटलमेंट कंप्लीट होने में। जब कंप्लीट सेटलमेंट हो जाएगा तभी आपका पूरा पैसा
आप निकाल पाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।